रेखा शर्मा की रसोई में आज आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आमलेट और ब्रेड टोस्ट। मैंने 3 अंडे लिए हैं, अब मैं इनको फोड़ कर इनको फेंटती हूँ। 3 अंडे लिए हैं, इनको मैं अच्छे से फेंटती हूँ। वैसे मैंने थोड़ा सा फेंट चुकी हूँ इसको, अच्छे से इनको मैं फेंटूँगी। अच्छे से फेंट चुकी हूँ। अब मैंने इसमें मैंने 2 प्याज काटे थे, वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। बिल्कुल बारीक बारीक प्याज काटे हैं, इसमें मैं उसको ऐड कर देती हूँ। प्याज भी ऐसे अच्छे से फेंटूंगी साथ में, अंडे के साथ में मिक्स हो जाएगा प्याज भी। इसमें मसाले ऐड करूंगी, मैंने इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर, ये मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं स्वाद के अनुसार इसमें 1/2 ही चम्मच में नमक डालूंगी। ये सब भी मैं इसके साथ में अच्छे से फेंट दूंगी। अच्छे से मैं इसको फेंटूंगी, जो सारा मसाला मेरा साथ में मिक्स हो जाएगा अंडे के साथ में। ये सारा मसाला मेरा मिक्स हो चुका है अंडे के साथ में। अब मैं इसमें एक छोटा टमाटर भी ऐड करूंगी, ये भी मैंने बारीक बारीक काटा है, ये भी मैं इसमें ऐड करके इसको भी मैं साथ में मिक्स कर दूंगी अच्छे से। ये भी मैंने इसके साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखो पूरा मसाला मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें लास्ट में बचता है हरा धनिया, वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी अच्छे से। हरा धनिया के बिना तो मज़ा ही नहीं आता कोई सब्जी हो या कुछ भी हो। अब मैंने इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। मैं इसको सबको मिक्स करके अच्छे से, ये देखो मैंने सब मिक्स कर दिया अच्छे से। मैंने तवा लिया है, तवे में मैं अभी इसमें तेल डालूंगी। तेल डाल दिया है मैंने, मैंने तेल अच्छे से डाल दिया है। इसको मैं हल्के से फैला देती हूँ, अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अंडे फेटा हुआ जो मैंने अंडा रखा था वो इसमें ऐड कर दूंगी, डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा करके। ये देखो मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा हिलाऊंगी फैलाऊंगी इसको, जिससे कि ये मेरा आमलेट अच्छा सा बने। ये देखो ये मैंने अच्छे से फैला दिया है, बिल्कुल गोल सा बन चुका है। अब मैं इसको थोड़ी देर पकने रखूंगी। ये देखो ये बन चुका है ठंडा, अब मैं इसको पलटूंगी धीरे से। देखो अच्छे से हो चुका है, बन चुका है ये दोनों तरफ से, दोनों तरफ से ये हो चुका है। ये देखो बिल्कुल आमलेट अच्छे से रेडी हो चुका है। ये देखो बिल्कुल आमलेट मेरा अच्छे से रेडी हो चुका है अंडे का, दोनों तरफ से ये अच्छे से पक चुका है। आमलेट बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा हल्का सा ब्रेड टोस्ट करूंगी, हल्के हल्के से गर्म करूंगी मैं। ये देखो हल्के से गर्म करूंगी मैं दोनों तरफ से, इसको अच्छे से पकाऊंगी हल्का हल्का सा। बराबर बन चुके हैं, अब मैं इसमें थोड़ा सा ये अंडा रखूंगी बीच में। ये देखो मैंने रख दिया है, अब इसके ऊपर मैं एक दूसरा ब्रेड रखूंगी। देखो अच्छे से सेकूंगी, दोनों तरफ से अच्छे से पक चुकी है ब्रेड। ये देखो सब अच्छे से हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।